नमस्कार, स्वागत है आप सबका मॉमीज डायरीज में। जैसे ही हम पेरेंट्स बनते हैं, सबसे पहला हमारा टेंशन होता है हमारे बच्चों की हेल्थ का, और सबसे एक्साइटिंग माइलस्टोन होता है जब कि बच्चे के साल भर के अंदर का, कि जब वो खाना चालू करता है। हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा जल्द से जल्द खाना चालू करे, एक अलग ही एहसास होता है उस चीज का। और बच्चे का खाना चालू करने में हमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, हमें सबसे पहले देखना है कि हमारा बच्चा खाना खाने के लिए अभी तैयार हुआ है कि नहीं, और उसके कुछ साइंस बच्चा खुद ही देता है कि अब मैं खाना खाने के लिए तैयार हूँ। चलिए आज हम वही डिस्कस करते हैं, तो वीडियो शुरू करते हैं। अकॉर्डिंग टू हेल्थ एक्सपर्ट्स और ब्रेस्ट फीडिंग एक्सपर्ट्स, हमें एक्सक्लूसिवली मतलब सिर्फ 6 महीने तक बच्चों को माँ के दूध का सेवन कराना चाहिए, ऊपर का खाना बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। हालांकि कुछ जगह 4 से 6 महीने तक भी रिकमेंडेड है, पर कोशिश करें कि बच्चों को 6 महीने के बाद ही खाना खिलाएं, क्योंकि जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है बच्चों का वो इमैच्योर होता है। जो 6वें महीने से मैच्योर होना चालू होता है, तब भी वो पूरा मैच्योर नहीं होता है, वो मैच्योर होना चालू होता है। डाइजेशन के लिए जो एंजाइम्स हैं वो 6वें महीने से बनना चालू होती हैं, इसलिए हमें कोशिश करनी है कि बच्चे का पहला सॉलिड फूड हम 6वें महीने से चालू करें। ये भी पाया गया है कि जो बच्चे एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड पर रहते हैं 6 महीने तक, उनमें एलर्जीज की, डायबिटीज, मोटापा, इन सब की भी लोअर रिस्क रहती है। और उनमें रिसर्च बताती है कि जो 6वां महीना है वो आइडियल मंथ माना गया है फूड चालू करने के लिए, क्योंकि इसमें एलर्जी के चांसेस कम होते हैं। तो ऐसे कौन कौन से साइंस हैं जो बच्चा हमें दिखाता है कि मम्मा मुझे भी खाना दो, अब मैं भी खाना खाने के लिए तैयार हूँ, यही आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला संकेत जो बच्चा हमको देता है कि वो जब वो अपने आप बैठने लगे, बिना किसी सपोर्ट के जब बच्चा बैठने लगे, तब मतलब कि बच्चा हमारा तैयार हो रहा है खाना खाने के लिए। जब बच्चा बिना सपोर्ट के बैठने लगता है तो उसमें उसके खाना फंसने के, अटकने के चांसेस कम होते हैं, इसलिए हमें कोशिश करनी है कि हमेशा बच्चे को बैठा के खिलाएं, कभी भी सॉलिड फूड बच्चे को लिटाकर ना खिलाएं। दूसरा संकेत जो बच्चा हमें दिखाता है वो ये है कि जब भी कोई भी खाना खाने बैठे तो एक टकटकी लगा के खाने को देखे, या आपको खाता हुआ देखे, या तो फिर वो कोशिश करे हाथ बढ़ाने की खाना खाने के लिए। ये दूसरा बहुत ही पॉजिटिव साइन है कि बच्चा आप खाना खाने के लिए तैयार हो रहा है। फिर हमको तीसरी बात का ध्यान ये देना है कि बच्चे में जनरली क्या हैबिट होती है कि जब हम उनके मुंह में कुछ डालते हैं तो वो अपनी जीभ से उसको धक्का देके बाहर निकाल देते हैं, मतलब कि उसको थूक देते हैं। अगर बच्चा खाना खाने के लिए तैयार हो रहा है तो जब हम उसके मुंह में ये निवाला डालेंगे तो वो उसको उगलने की बजाय निगलने की कोशिश करेगा। इसका मतलब है कि बच्चा हमारा अब खाना खाने के लिए तैयार हो रहा है। हमको ये भी देखना है कि जब हम बच्चे के मुंह में निवाला डालें तो वो प्रॉपर मुंह खोल रहा है कि नहीं, और अगर ये साइन हमको नहीं दिख रहे हैं कि वो प्रॉपर मुंह नहीं खोल रहा है और खाना मुंह पे लगाने पे, निवाला मुंह पे लगाने पे जीभ से निकाल दे रहा है, तो हमें कुछ दिन के लिए रुक जाना चाहिए। हमें बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं दिखानी है, आराम से बच्चों को खाना स्टार्ट करना है। तो अगर ऐसा कोई साइन बच्चा देता है कि वो भी खाना मुंह से फेंक रहा है, तो आप 1 हफ्ते का वेट करें और 1 हफ्ते बाद फिर से ट्राई करें। जब बच्चे में पिंसर ग्रास्प, यानी कि बच्चा जब उंगली और अंगूठे से सामान को पकड़ना चालू करते, तो भी ये एक संकेत है कि बच्चा अब खाना खाने के लिए तैयार है, यानी वो अंगूठे और उंगली की सहायता से फूड को उठाने की कोशिश करे, तो ये भी एक साइन है कि बच्चा अब खाना खाने के लिए तैयार है। फिर नेक्स्ट साइन है कि बच्चा अपने बॉडी वेट, जो कि उसके पैदा हुआ बर्थ बॉडी वेट था, यानी जब वो पैदा हुआ था उस बॉडी वेट से डबल हो जाए, तब भी वो उसका सिंबल है कि अब बच्चे को सिर्फ दूध से उसका पोषण नहीं हो पाएगा, अब उसको ऊपर के आहार की भी जरूरत है। एक बात जो हमें बहुत ध्यान देनी है वो ये है कि जब भी हम बच्चे का सॉलिड फूड चालू करें, पहला आहार खिलाएं, तो ये देखें कि बच्चा उस समय एकदम हेल्दी हो, उसको सर्दी खांसी ना हो, यानी कि स्टफी नोज ना हो, उसकी नाक बंद ना हो, उसको खांसी ना हो, क्योंकि इन सब में बच्चों को खाने में दिक्कत होगी और में खाना फंसने की चांसेस ज्यादा होंगे। माना गया है कि जब बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग ज्यादा कर दे, मतलब वो ज्यादा दूध पीने लगे, तब भी बच्चा को आहार की अब जरूरत है, मतलब कि उसका सिर्फ दूध से पोषण नहीं हो पा रहा है, हमें ऊपर का आहार उसको देना होगा। पर सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग बढ़ने पे हम उसको संकेत नहीं मान सकते। इन सारी जितने पॉइंट्स मैंने बताए हैं, अगर ये सारे साइंस आपका बच्चा आपको दे रहा है, इसका मतलब कि अब वो खाना खाने के लिए तैयार है। ये कुछ टिप्स थे जो हमको दिखाते हैं कि हमारा बच्चा अब खाना खाने को तैयार है। तो इनको देखिए, ऑब्जर्व करिए और अपने बच्चे को पहला सॉलिड फूड खिलाइए, और उस मेमोरी को हमेशा अपने पास रखिए। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।